गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं बच्चे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये बताएं बच्चे कि उपपद विभक्ति जो हम बता रहे थे उसमें कंप्लीट हो चुका है? उपपद विभक्ति के जो कारक विभक्ति के रूप बताए जा रहे थे उसमें षष्ठी सप्तमी हो गए हैं या बचे हैं? बताइए। नहीं मालूम लगता है किसी को। जय आदित्य, रोहित सिंह, आशीष यादव, आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है ना? यस सर। हाँ जी, तो ये बताएं कि उपपद विभक्ति जो बताई जा रही थी उसमें कितना पढ़ चुके हैं या सब खत्म हो चुके हैं, कहाँ तक हो गया है, कुछ मालूम है? चलिए, नहीं मालूम है लगता है कि आपको, तो मैं ही बता देता हूं। आज जो है सप्तमी विभक्ति यानी लास्ट हमको लगता है कि बचा होगा, इसके बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। ठीक है, सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति सर, रुचिरा का क्वेश्चन आंसर कॉपी पे भी लिखेंगे? हाँ जी, कॉपी पर लिखेंगे, लिखे नहीं है क्या अभी तक? लिखे हैं। ठीक, कारक। देखिए सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक जिसको आप कहते हैं, जिसका चिन्ह होता है में और पर। ठीक है, में पर इसका चिन्ह होता है और मुख्य रूप से इसका प्रयोग जो है हम किसमें करते हैं, तो निर्धारण के योग में। निर्धारण का मतलब क्या कि जब किसी चीज का हम निर्धारण करते हैं, ये आपस में तुलना करते हैं, उस समय भी हम जो है क्या करते हैं, सप्तमी का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला नियम है निर्धारण, क्या निर्धारण में, तो हम ये जाने, जैसे अगर हम कहते हैं कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। अब देखिए कवियों में यानी कि इसका जो बनेगा सप्तमी में तो क्या हो जाएगा, कवि नाम या कबीसु। ठीक है, कबीसु, उसके बाद कालिदास श्रेष्ठ। सर पेज नंबर पर नहीं होगा, आप बस ध्यान दीजिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जो बताई जा रही है, हो सकता है कि आपके बुक में ना भी हो, वो भी है ना, इसलिए पेज नंबर ना ढूंढिए, बस इसको आप समझिए कि जब निर्धारण होता है तो उस समय भी जो है हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि नदियों में गंगा श्रेष्ठ है ना, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है,
क्या हो जाएगा? वही नदी नाम या नदी सु। गंगा श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, तो ये हो गया निर्धारण में। जब कभी भी हम आपस में एक दूसरे से चुनाव करते हैं कि फला में फला, मतलब कि इसमें वो बेहतर है अच्छा है, तब जो है ये निर्धारण जब करते हैं तो उस समय केवल जो है हम सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं साधु असाधु में भी जो है प्रयोग होता है। साधु का मतलब होता है अच्छा, जैसे कहीं लिखा है साधु, यानी इसका अर्थ होता है अच्छा, असाधु इसका अर्थ होता है बुरा। ठीक है, निपुण शब्द होता है, निपुण होता है, उसके बाद पंडित भी शब्द आ सकता है, पंडित का मतलब भी विद्वान होता है, तो आप पंडित भी कह सकते हैं, दक्ष भी कह सकते हैं, तो इन सभी के मामले में है ना, या हम कुशल भी कह सकते हैं, कुशल का मतलब भी यही होता है, तो ये सभी में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि राम माता के लिए अच्छा है, राम माता के लिए अच्छा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रामा सप्तमी विभक्ति में मातरी, राम मातरी साधु। ठीक है, यानी राम माता के लिए अच्छा है, साधु का मतलब अच्छा है। अगर वही बात हम करते हैं कि मोहन क्या है? दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोहना दुष्ट में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे तो दुष्टे हो जाएगा, मोहना दुष्टे क्या असाधु। ठीक है, मोहने दुष्ट असाधु का मतलब अच्छा नहीं है। ठीक है, वैसे ही जब कुशल या हम उसके लिए हम प्रयोग करते हैं निपुण के लिए, तो जैसे राम कार्य में कुशल है, राम कार्य में कुशल है, इसका मतलब हो जाएगा कि राम कार्ये कुशल अस्ति, यानी राम कार्य में कुशल है, निपुण है, पटु है ना, इन सभी का जो है हम प्रयोग करेंगे और सभी का अर्थ जो है कुशल होता है, माने दक्ष होता है, उस कार्य में निपुण होता है। ठीक है, तो इन सभी में हम ये देखते हैं कि इसके लिए हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा जो इसका नियम है, स्नेह, मतलब जब कभी किसी से स्नेह यानी प्रेम जो है पाया जाता है, दिया जाता है, उसमें जो है हम सप्तमी विभक्ति का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं
कि बालक पिता से स्नेह करता है ना, बालक पिता से स्नेह करता है। तो यहाँ पिता से आया है, तो पिता से में हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी कि बालका पितरी। पितरी क्यों होगा? क्योंकि सप्तमी के एक वचन में हम प्रयोग करेंगे तो पितरी हो जाएगा, यानी कि बाला या बालका पितरी स्नेहति, है ना। स्नेहत का मतलब हो गया स्नेह करता है, जैसे रूप चलता है पठति पठता, वैसे ही जो है हम स्नेहत का भी रूप जो है चलाते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो है स्नेहत हो गया है। वैसे ही जो है विश्वास है, विश्वास का भी अर्थ होता है विश्वास करना। अगर हम कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, पिता पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, तो इसका मतलब हो गया कि पिता पुत्रे विश्वसिति, यानी पिता पुत्रे विश्वसिति, यानी पिता पुत्र पर विश्वास करता है। ये सब चीजें हैं जो आपको जो है बताते हैं कि सप्तमी विभक्ति में ये सभी चीजें जो है प्रयोग होने वाले हैं। जैसे हमने पहले ही बताया निर्धारण के योग में, कि जब कभी किसी के प्रति हम निर्धारण योजना करते हैं तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। साधु माने अच्छा, यानी सभ्य और असभ्य के योग में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कोई निपुण हो, कोई पंडित हो, कोई कुशल हो, तो इसके में भी जो है हम प्रयोग करते हैं, किसका? हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वैसे ही जब स्नेह की बात आती है, प्रेम की बात आती है, तो वहां भी जो है हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से विश्वास करने के योग में भी हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये रहा आपका उपपद विभक्ति के अंतिम जो है विभक्ति, जिसका नाम था सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक के बारे में जो अभी बातें चल रही थी। अब यही जो है आपका ये उपपद विभक्ति, यानी कि ये कारक विभक्ति जो है खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अब एक जो है नए अध्याय का, जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे कहाँ प्रयोग होता है। जैसे एक दो बच्चों के मन में अगर ऐसी बात है तो मैं बता दे रहा हूँ, पुनः आप देख लीजिए, मिटा नहीं है अभी। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कि राम माता के लिए अच्छा है, तो बहुत बच्चे ये भी सोच लेते हैं कि राम में किसी भी प्रकार का हम विभक्ति नहीं लगाए और माता में विभक्ति लग गया। क्यों लग गया ये भी आपको जानना है। जब कभी भी किसी शब्द के आगे, किसी भी नाम के आगे अगर किसी भी प्रकार की कारक विभक्ति आती है, तो उस कारक विभक्ति को हम उसके रूप के अनुसार, मतलब उसके चिन्ह के अनुसार या नियम के अनुसार जो है उस विभक्ति में हम लेकर चलते हैं। लेकिन जिस जो है शब्द के या नाम के आगे किसी भी प्रकार का कारक विभक्ति का चिन्ह नहीं होता है, वहां पर हम केवल उसको प्रथमा विभक्ति में ही रहने देते हैं। उस पर किसी भी प्रकार का चिन्ह या उसके जो है विभक्ति के अनुसार उसका प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राम माता के लिए लिखा है। अगर ये माता के लिए लिखा है, के लिए किसमें प्रयोग होता है? आपका चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होता है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह जो होता है को के लिए होता है। ठीक है, तो को के लिए जब होता है तो उसके लिए आप हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये चतुर्थी का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अच्छा या बुरा की बात आ गई है। तो अच्छा या बुरा जब कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो वहां पर केवल जो है सप्तमी का प्रयोग करेंगे। अब वहां पर हम ये नहीं देखेंगे कि चिन्ह तो ये चतुर्थी विभक्ति का है, तो यहाँ कम से कम माता का चतुर्थी होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि नियम कहता है कि जब ये चीजें साधु साधु है तो वहां जो है सप्तमी हो जाएगा। इसीलिए मातरी जो मातव शब्द है उसमें जो है सप्तमी विभक्ति होने से मातरी शब्द बन गया है। ठीक है, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर राम में भी किसी प्रकार की विभक्ति नहीं लगी है, अर्थात राम का राम ही रह गया है और बाकी सभी में जो है यहाँ लगा हुआ है। चाहे दुष्ट में भी देखें, मोहन में भी देखें, मोहन में नहीं लगा है लेकिन दुष्ट के अनुसार जो है यहाँ लगा है।
कब लगेगा? हम ये बता दें कि जब कभी भी शब्द या नाम के आगे किसी भी प्रकार के जो है चिन्ह अगर लगे होते हैं, चाहे वो किसी भी विभक्ति के चिन्ह हो, तो उसके अनुसार हम प्रयोग कर सकते हैं। किसका? हम उसी जो विभक्ति के अनुसार जो है या उसके नियमों के अनुसार जो है हम प्रयोग करेंगे, और तब जो है वो बदलेगा। जैसे मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ भी के लिए शब्द आया हुआ है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो के लिए शब्द कहाँ होता है? चतुर्थी विभक्ति में होता है। तो अगर हम नहीं जानते ये अच्छा या बुरा यहाँ पर नियम, तो हम क्या करते? हम चतुर्थी विभक्ति में ही इसका प्रयोग करते। लेकिन हम जब ये जान रहे हैं कि नहीं, ये अच्छा या बुरा या निपुण या पंडित या विद्वान जो भी चीजें आ रही है यहाँ पर, ये केवल जो है सप्तमी विभक्ति के लिए ही प्रयोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ मोहन में किसी भी प्रकार की विभक्ति का प्रयोग नहीं है, बल्कि मोहन ही मतलब प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग है। और जब दुष्ट के लिए शब्द आ गया है तो यहाँ पर यानी कि सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि अच्छा या बुरा की बात आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और यही कारण है कि इसमें दुष्ट में हम क्या प्रयोग किए हैं, हम सप्तमी विभक्ति प्रयोग कर दिए तो दुष्टे हो जाएगा, ठीक है, दुष्टे। और उसके लिए अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? असाधु, यानी साधु का मतलब अच्छा और असाधु का मतलब बुरा होता है। तो इसलिए यहाँ पर बन गया क्या? मोहन दुष्टे असाधु, यानी मोहन दुष्ट के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और ऊपर ठीक उसी तरीके से कि राम माता के लिए अच्छा है, यानी राम मातरी साधु, यानी राम माता के लिए अच्छा है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ जो है कैसे हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे चलते हैं, पुनः अब नेक्स्ट लेसन की बात करते हैं, जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में कुछ चर्चा किए भी होंगे, लेकिन पुनः एक बार आप देख लीजिए कि कैसे जो है उसका हम प्रयोग करते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, कैसे कैसे हम इसका जो है प्रयोग करते हैं, इसकी हम चर्चा जो है करेंगे इस अध्याय में। यानी प्रत्यय का मतलब ही होता है कि जब प्रत्यय और उपसर्ग दो चीजें ये होती हैं। प्रत्यय का मतलब अंग्रेजी में हम इसको जो है सफिक्स कहते हैं और उपसर्ग को हम कहते हैं प्रेफिक्स। आपने जो अंग्रेजी में जो दोनों चीजों को आप सुने होंगे, लेकिन आप यहाँ संस्कृत में इस चीज को जो है सुनेंगे। तो हम सफिक्स की बात करते हैं, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब जानिए कि प्रत्यय क्या होते हैं। देखिए, किसी भी धातु या किसी भी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने को ही हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी धातु या किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर, आगे नहीं, पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अनुज कुमार। तो इस तरीके से ये प्रत्यय जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। तो हम जो है कृत प्रत्यय के बारे में जो है पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय यानी जो धातुओं के साथ जो है प्रत्यय जोड़े जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो धातु यानी धातुओं के साथ का मतलब किसी भी क्रियाओं के साथ जोड़े जाते हो, और क्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं, जाना, खाना, उठना, बैठना, सोना, ये सभी प्रकार की क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब धातु रूप इनके बनते हैं, और इसमें केवल जो है हम कृत प्रत्यय का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसी से जो बने रूप होते हैं उसको कभी कभी हम कृदंत भी कह देते हैं। अब कृदंत में आप जो है इसके रूप जो पढ़ेंगे, मुख्य रूप से इसके जो रूप होते हैं, इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं कत्वा है, लेप है, कत है, दुमुन है,
गतवतु है, तब्यत है और अनियर शब्द है जो कृत जय प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पहला कत्व प्रत्यय के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो है, जो प्रत्यय है, जिस प्रत्यय का नाम है कृत प्रत्यय, ठीक है, इसमें इसका पहला प्रकार है कत्वा, जिसका अर्थ होता है करके, अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, करके या करकर अर्थ में इसका जो है हम प्रयोग करते हैं कत्वा का। अब इसको देखिए कि ध्यान से कैसे जो है हम इसको एक तरीके से, हम किस तरीके से इसको जो है आपस में हम जोड़ लेते हैं या हम बना लेते हैं। जैसे हम किसी भी धातु में जब जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि पट धातु है, पट धातु में अगर जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, पठित्वा, ठीक है, ये बनेगा पठित्वा, पठ धन कत्वा बराबर पठित्वा, जिसका अर्थ हो जाएगा क्या, पढ़कर, पढ़कर यानी किसी भी चीज को जो है पढ़कर। तो जब हम कभी आपको अनुवाद अगर ऐसे मिलता होगा कि जैसे लिखा है कि तुम घर जाकर क्या करते हो, तुम घर जाकर क्या करते हो, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा जो है आपको हिंदी का जो है एक वाक्य दे दिया गया जिसको आपको अनुवाद करना है संस्कृत में, ठीक है, यानी तुम घर जाकर क्या करते हो, कोई आपसे पूछ देता है या कहीं आपको करना ही पड़े इसका संस्कृत अनुवाद, तो आप कैसे जो है इसको जान सकते हैं। अब देखिए इसमें जो प्रत्यय जो लगने वाला है वो किस में लगेगा, तो ये जाकर में लगेगा। आप किसी भी तरीके से जाकर का अगर संस्कृत बनाना चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जबकि इसके लिए हम प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे और तभी इसका अनुवाद जो है बन पाएगा। तो जैसे आपने पठ धन कत्वा का जो है वहां पढ़ा कि पठ धन कत्वा जोड़कर पठित्वा हो गया है, ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ देखें कि जाकर शब्द में क्या आता है, तो गम शब्द आता है। गम, गम का मतलब होता है गच्छ, गच्छ का मतलब होता है जाना। तो रूप जब चलता है तो लिट लकार में गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन चलता है, तो लिट लकार का ही रूप जो है इसमें हम कत्वा प्रत्यय में भी लगाते हैं, यानी गम धन कत्वा बराबर गत्वा हो जाएगा, यानी गम धन कत्वा बराबर क्या, गत्वा, जिसका अर्थ हो जाएगा जाकर, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये, कैसे बनेगा, तुम का मतलब यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन, तो इसका अर्थ हो गया तुम, घर को जाकर यानी गृहम, गृहम तुम गृहम, और वहां हो जाए गम धन कत्वा बराबर गत्वा, ठीक है, क्या करोगे यानी किम, और देखिए करते हो लिखा है, करते हो यानी कि कर्ता के अनुसार अब क्रिया बनाएंगे, करिष्यत, करिष्यतः, करिष्यन, करिष्यसि, है ना, करिष्यसि, करिष्यतः, करिष्यतः, ये जो होता है। अब इस तरीके से आप जो है यहाँ कर सकते हैं कि त्वम गृहम गत्वा किम करिष्यसि, यानी तुम घर जाकर क्या करोगे शब्द हो जाएगा, ठीक है।
अब लिट लकार में हो जाएगा ये। तुम घर जाकर क्या करोगे? तुम गृहम गत्वा किम करिष्यसि? ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस प्रत्यय का प्रयोग जो है यहां करने को हुआ। तो जबी भी जाकर, खाकर, उठकर, पीकर, सोकर, बैठकर, मारकर, लड़कर, झगड़ा कर, बोलकर, है ना, स्नान कर, जब भी कहीं कर या करके शब्द आता है तो उसके लिए केवल जो है गत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। बाकी और कोई भी किसी भी प्रकार का जो है इसका नहीं है संस्कृत, जिससे कि उसको जो है हम बना सकते हैं। कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग मुख्य रूप से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कत्वा प्रत्यय का आपने प्रयोग जो है इसका पढ़ा। दूसरा भी हम बात कर रहे हैं, दूसरे जो है किसी भी उदाहरण का, जैसे हम कहें कि मेरा भाई कार्य करके आता है, है ना, मेरा भाई कार्य करके आता है। ठीक है, अब देखिए मेरा भाई कार्य करके आता है तो क्या हो जाएगा, मेरा का मम भ्राता कार्यम कृत्वा क्रीधन कत्वा, बराबर क्या हो जाएगा, कृत्वा, है ना, क्री मतलब होता है कार्य करना और कत्वा जोड़ दिए तो कृत्वा हो गया, कृत्या आता है का हो जाएगा आगच्छति, जाने का क्या होता है गच्छति, और उसी में आना जब हम जोड़ देंगे आने के लिए तो आगच्छति का प्रयोग होता है, यानी लट लकार में आगच्छत, आगच्छत, आगच्छन, आगच्छस, आगच्छत, आगच्छत, अगच्छामी, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कैसे जो है इसके रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, यानी मेरा भाई, है ना। अब आप सोचेंगे मेरा लिखा है तो मम क्यों हो गया, आपके दिमाग में जरूर ऐसी बात जो है हो रही होगी कि मम ही क्यों लिखे, क्यों नहीं अहम लिखा गया। ठीक है, तो आप एक बात और जान लीजिए, मैंने बहुत पहले बताया था कि खष्टी विभक्ति में आता है का, के, की, रा, रे, री, दोनों चीजें आती हैं, एक का, के, की भी आता है और दूसरा रा, रे, री भी आता है। तो जहां भी रा, रे, री आए अंत में, वहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, हम खष्टी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ क्या आया है, मेरा, यानी मैं से ही मतलब है तो इसलिए मैं में मेरा शब्द आ गया, मेरी, है ना, मेरे। जब इस तरह के शब्द आते हैं तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, खष्टी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए कि क्यों जो है हमने जो है मम का ही प्रयोग किया, क्यों नहीं जो है अहम का प्रयोग किया। तो इस तरीके से यहाँ रा, रे, री शब्द जब आते हैं तो वहां भी हम प्रयोग करेंगे किसका, हम खष्टी विभक्ति का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से ये रूप बनेगा मम भ्राता कार्यम कृत्वा आगच्छति। ठीक है, मेरा भाई कार्य करके आता है। ठीक है, अगर हम कहें कि राम पुस्तक पढ़कर खाता है, राम पुस्तक पढ़कर खाता है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़कर खाता है तो क्या हो जाएगा, राम, राम पुस्तकम पठधन कत्वा बराबर पठित्वा, पठित्वा क्या खाता है, यानी खादति,
ठीक है, बहुत ही आसानी से आप क्या लिख दिए, खादती। अब एक दो लोगों के मन में है कि है का तो लिखा ही नहीं, खादती आप लिख देते हैं तो है का भी जो है हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप केवल खादती भी लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि खाता है। ठीक है, तो आप यहाँ जो है बना लिए कैसे, जब हम प्रयोग कर लिए राम पुस्तकम पठित्वा, यानी पुस्तक को पढ़कर, है ना, को छिपा हुआ है इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति लग गया, पुस्तकम हो गया है। राम पुस्तकम पठित्वा यानी पढ़ करके खाता है, यानी खादती, खादती, खादत, खादन्ति, खादश, खादथ, खादथ, खादामि, खादाव, खादाम रूप चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ खादती हो गया। क्यों? क्योंकि राम जो है क्या है, प्रथमा का एक वचन है। जब प्रथम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर क्या लगा है, खादती शब्द लगा है। अगर ये होता कि वे सब पुस्तक पढ़कर खाते हैं, है ना, अगर ऐसा कहीं जो है अनुवाद में होता बनाने के लिए कि वे सब पुस्तक पढ़कर खाते हैं, तो वे सब यानी ते हो जाता है यहाँ पर, यानी हमारा जो है कर्ता क्या हो जाता है, ते पुस्तकम पठित्वा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ते के अनुसार, यानी कि प्रथमा का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथमा की बहुवचन होगी, यानी खादति, खादत, खादत, खादन्ति का प्रयोग होगा, तो इसलिए हो जाता क्या, ते पुस्तकम पठित्वा खादन्ति, यानी वे पुस्तक पढ़कर खाते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा आपका जो है कत्वा प्रत्यय, जिसमें त्वा शेष जो है बच जाता है, और इसका प्रयोग केवल, हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि इसका प्रयोग केवल करके या कर शब्द में ही जो है दिए जाते हैं, उसी के लिए ही जो है ये प्रयोग होते हैं। तो इसीलिए हम ये समझ सकते हैं कि इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से अलग अलग भी हो सकता है, जैसे पा धातु है, पा में जो कत्वा जोड़ देंगे तो पित्वा हो जाएगा। अस्था धातु है, अस्था का मतलब जो होता है ठहरना, बैठना, तो इसका मतलब अस्था में कत्वा जोड़ देंगे तो स्थित्वा हो जाएगा। वैसे ही जो अगर हम बात करें जय प्रक्ष का, प्रक्ष का मतलब पूछना जय होता है, लेकिन जब इसमें भी अर्थ हम जोड़ देंगे तो प्रक्ष धन कत्वा बराबर पृष्ठवा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरे जो है शब्दों की हम अगर बात करें कि बद है तो बद धन कत्वा बराबर बदित्वा हो जाएगा, या हम बात करें नी का, नी धन कत्वा बराबर नित्वा हो जाएगा, नित्वा का मतलब जो है ले जाकर हो जाएगा। आनी, आ और नी जोड़ देते हैं तो किसी चीज को क्या होता है, लाना। जैसे हम कहते हैं आयात, आयात का मतलब हम किसी दूसरे देश से जो है अपने यहाँ कोई सामान मंगाते हैं, आयात करते हैं, और जब हम निर्यात कर देते हैं, निर्यात ये नी शब्द लगाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, अपने देश से दूसरे देश को जो है जाना, तो नी शब्द है, नी का मतलब होता है ले जाना, तो इसका रूप चलता है कैसे, नयति, नयत, नयंत, नयसि, नयथ, नयथ, नयामि, नयाव, नयाम। ठीक है, तो जब उसी में हम आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, आना, मतलब हम अभी ले जाने की बात कर रहे थे, देने की बात कर रहे थे, अब हो जाएगा लाना। आनयति, आनयत, आनयन्ति, आनयसि, आनयथ, आनयथ, आनयामि, आनयाव, आनयाम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रूप जो है नी धातु में बनता है, और आ जब जोड़ देंगे तो आनीय बन जाता है, यानी कि जो है हम जो है मंगाने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को जो है लाने की बात कर रहे हैं, और जब नी जोड़ देते हैं केवल तो ले जाने की जो है बात करते हैं। ठीक है, अब जो है एक प्रत्यय और है, थोड़ी सी मौखिक चर्चा उसकी कर लेते हैं क्योंकि समय का अभाव है। तो देखिए,
लेप प्रत्यय, इसका नाम है, ठीक इससे अलग है कत्वा से, लेकिन उसका अर्थ सेम है। कत्वा का अर्थ भी करके या करकर शब्द में प्रयोग होता है, और लेप का भी प्रयोग जो है करके या करकर में ही प्रयोग होता है। दोनों में तब अंतर क्या है, हम दोनों को क्यों नहीं एक ही जगह प्रयोग कर सके, तो इसको हम जानेंगे क्यों जो है दोनों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि किसी धातु से पहले कोई उपसर्ग अगर लगा हो, समझ रहे हैं, अभी तो किसी भी धातु में उपसर्ग नहीं लगा, जैसे पट में नहीं लगा, गम में नहीं लगा, जो भी हमने बनाया किसी में उपसर्ग नहीं लगाया। उपसर्ग किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहते हैं। तो उपसर्ग का मतलब हो गया किसी शब्द के आगे जब कोई जो है अव्यय आकर के उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। अब ये उपसर्ग की चर्चा जो है कर रहा है क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जब किसी धातु में से पहले कोई उपसर्ग लगा हो, और उपसर्ग हो तो हम कत्वा जोड़ते थे, उस कत्वा के स्थान पर अब हम लेप का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उसके साथ उपसर्ग लगा है ना। ध्यान दीजिए, हमने बताया करके या करकर अर्थ में कत्वा का प्रयोग करते थे, लेकिन उस धातु में क्या लग गया, उपसर्ग लग गया, तो उपसर्ग लग गया तो कत्वा के जगह पर ही हम जो किसका प्रयोग करेंगे, लेप का प्रयोग करेंगे। जैसे आप देखिए कि अगर हम जय हम प्रधन नम की बात करते हैं, प्र धन नम, नम का मतलब होता है नमस्कार करना, और जब प्र जब इसमें लग गया तो इसका मतलब इसी से बना है प्रणाम करना, यानी किसी को प्रणाम करना, और जब इसी में लेप लग जाएगा तो क्या बन जाता है, यही जो है बन जाता है, क्योंकि लेप का मतलब हो गया करके, यानी किसी को प्रणाम करके, यानी हम कहें कि राम पिताजी को प्रणाम कर जाता है, राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है। ठीक है, प्रणाम करके जाता है। जब इस तरह जो है हम प्रयोग करते हैं कि राम पिताजी को प्रणाम करके जाता है ना, तो क्या हो जाएगा, रामा पिता, यानी पिता का जो है हम रूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पिता का पितरम और प्रमणय, प्र और जब हम जो है लेप नम धन लेप जोड़ते हैं तो प्रणम्य हो जाएगा, प्रणम्य। ठीक है, प्रणम्य ये इसका अर्थ हो गया कि जाता है यानी गच्छति। ठीक है, राम पितरम प्रणम्य गच्छति, प्रणम्य का मतलब हो गया प्रणाम करके, क्या क्या जुड़ा, प्रधनम दोनों जुड़कर प्रणाम हो गया, और लेप जुड़ गया तो हो गया प्रणम्य, तो इसका अर्थ हो गया प्रणाम करके। ठीक है, प्रणाम करके अर्थ हो गया, और इस प्रणाम करके अर्थ में जो है हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रणाम यानी प्रणम्य शब्द जो है बन जाता है। ठीक है,